हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर हॉरर वीडियो। तो गाइस, मुझे पता है मैं 2 महीने बाद आ रहा हूँ, लेट आ रहा हूँ, लेकिन भाई स्टोरी जो लाया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और डरावनी है। सो गाइस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की जो हॉरर स्टोरी है वो भाई पहाड़ों की है। और आप लोगों को पता है पहाड़ों की भाई जो हॉरर स्टोरीज होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल होती है, बहुत ज़्यादा डरावनी होती है। सो ऐसा ही आज पहाड़ों का एक इंसिडेंट है। दो दोस्त और मतलब एक दोस्त की गर्लफ्रेंड, यानी टोटल 3 लोगों का ये हॉरर इंसिडेंट और बहुत ही डरावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक जो दोस्त है उसका नाम है रोशन, उसकी गर्लफ्रेंड स्नेहा और रोशन का एक दोस्त सुमित, टोटल ये 3 लोग हैं। और भाई ये लोग प्लान करते हैं, मतलब बेसिकली रोहन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहाड़ों में जाने का प्लान करता है। तो सोचता है कि भाई गाड़ी चलाने वाला भी एक दोस्त हो, तो उसका एक अच्छा दोस्त था सुमित, तो वो उसको भी साथ लेकर जाता है। और भाई तीनों सुबह के टाइम मतलब 12-1 बजे करीब वो निकल जाते हैं भाई पहाड़ों में घूमने के लिए। लेकिन भाई ये जो उनका ट्रिप था ना, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। और भाई इसमें से एक लड़के की तो भाई खैर मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, एंड तक देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। सो गाइस, ये दिसंबर के महीने की बात है, ये तीनों प्लान करते हैं एक ट्रिप अपनी गाड़ी से, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ट्रिप प्लान करता है। और सुमित को बोलता है कि भाई तू गाड़ी चलाने में थोड़ी हेल्प कर दियो, क्योंकि अकेले फिर वो इन्जॉय नहीं कर पाएगा। तो भाई ये लोग पहुंच जाते हैं पहाड़ों में, लेकिन इनकी बदकिस्मती होती है कि ये रात के टाइम पहाड़ों पे पहुंचते हैं करीब 9-9:30 बजे करीब। मतलब इनकी जो डेस्टिनी थी वहाँ पर अभी नहीं पहुंचे थे, पहाड़ों पर पहुंच गए थे, मतलब रास्ता भी और दूर था। तो रास्ते में क्या होता है भाई, इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। और भाई गाड़ी भी ऐसी जगह ख़राब होती है जहाँ पर इनको मतलब इनके नोन का कोई भी नहीं होता, मतलब रास्ते के इनकी डेस्टिनी से 2-2.5 घंटे पहले ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद भाई ये लोग गाड़ी साइड में लगाते हैं। अब आपको पता है पहाड़ों पे 9-9:30 बजे करीब वहाँ पे लाइटें भी कम होती है, और भाई वहाँ पे चीज़ें मतलब कम है, जैसे सिटी में शहर में तो हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, बट पहाड़ों पे जो मार्केट एरिया वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है, अदरवाइज़ सारा एरिया सुनसान ही होता है। तो ऐसे ही वो एक रोड पर पहाड़ों पे गाड़ी ख़राब होती है, गाड़ी को साइड में लगाते हैं, आसपास देखते हैं मैकेनिक, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन एक चाय की टपरी थी, मतलब होता है ना स्टॉल टाइप का, तो वो थी। और 2-4 घर भी थे, लेकिन रात के टाइम जो शॉप्स थी ऑलमोस्ट सब बंद थी, बस एक चाय की दुकान खुल रही थी, वो भी बंद ही होने वाली थी 10 बजे करीब। तो वो लोग वहाँ जाते हैं और उन चाय वाले अंकल से पूछते हैं कि भैया यहाँ पर कोई गाड़ी मैकेनिक है? तो उन्होंने बताया भाई अगर होगा भी तो भी इस टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक पहाड़ों का एरिया है, यहाँ पर चीते वगैरह का डर रहता है, इसलिए लोग जल्दी अपने घर में चले जाते हैं। और यहाँ पर और भी कोई ऊपरी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से लोग रात में बाहर नहीं निकलते। और ये ऊपरी चीज़ों का मतलब वो तीनों समझ नहीं पाते हैं कि वो चाय वाले अंकल क्या कहना चाह रहे थे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक तगड़ी चीज़ के बारे में बताता हूँ, सुनने के लिए तैयार हूँ? सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया हूँ जिससे आप घर बैठे बैठे तगड़ी कमाई कर सकते हो, सिंपली गेम खेलकर। और उस गेम का नाम है लकी जेट, और ये मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 1Win प्लेटफॉर्म पर। और भाई अब आप लोग पूछोगे कि भाई इसे खेलना कैसे है, तो भाई मैं आपको बताता हूँ, इसको खेलना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको इसमें अपना बैट प्लेस करना होता है, और प्लेन के क्रैश होने से पहले आपको अपना बैट कैश आउट करना होता है। मैं आप लोगों को एक बार खेल के दिखाता हूँ। सो गाइज, ये गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइज, यहाँ पर ऊपर मैं लगा देता हूँ 1500 रुपये और नीचे लगा देता हूँ 500 रुपये, ताकि एक साइड से सेफ रहूँ। अब ये भाई एक प्लेन टेक ऑफ हो चुका है और मल्टीप्लायर होना शुरू हो गया है। सो गाइज, सही टाइम का वेट करना है कैश आउट करने के लिए, तो हम इसको 6x पर कैश आउट कर लेंगे। और भाई ये हमने इसको कैश आउट कर लिया, और भाई से भी कर लिया, भाई सीधा 5x पर कैश आउट कर दिया, पैसे हो गए डबल। ये गेम है भाई फुल ऑन एक्साइटमेंट एंड रिवॉर्ड्स का। सो गाइज, ये जितना सिंपल है ना उतना ही प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन ध्यान रहे आपको अपनी बैट को प्लेन के क्रैश होने से पहले ही कैश आउट करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपने अपनी बैट को सही टाइम पे कैश आउट कर लिया, तो आप जो भी जीतोगे वो आप अपने रियल वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो सीधा। बस थोड़ी सी स्ट्रेटेजी और समझ चाहिए, और सही टाइम पे एग्जिट लो और अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करो। और भाई लकी जेट पर ना बड़ा कमाना बहुत ही आसान है, बस स्मार्ट खेलो। तो भाई अब किस चीज का वेट कर रहे हो यार, फटाफट जाओ, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर रजिस्टर करो। और भाई अपने भाई का प्रोमो कोड यूज कर लेना, WinRajan999। इस प्रोमो कोड को यूज करोगे आपको मिलेगा 999% तक का बोनस, और भाई ये लिमिटेड टाइम के लिए है। तो फटाफट जाओ लकी जेट खेलो और भाई बड़ा कमाओ। तो जो सुमित बैठा था वो पीछे तो अंकल बात कर रहे थे आपस में, और वो बातें बहुत ही ज्यादा डरावनी थी जो सुमित ने सुनी। एक अंकल दूसरे अंकल से कह रहे हैं कि क्या लगता है आपको वो लड़का मिलेगा? उस लड़की की उम्र भी बहुत कम थी, अभी भी अब इसी उम्र में चला गया। और दूसरे अंकल बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है आज तक कोई वापस आया है अगर वो गुम हुआ है तो? और इस लड़के को तो 3 दिन ऑलरेडी हो गए। मतलब इस टाइप की कुछ बातें थी कि वहाँ से कोई गायब हुआ है।
लड़का गायब हुआ है, वो लेकर गई है, तो आज तक क्या छोड़ा है उसने? मतलब ये चीज़ें सुमित के माइंड में आई कि क्या कोई गायब हो गया और कौन लेकर गया है, और जो लेकर गया ये किसकी बात कर रहे हैं? तो ये दो तीन सवाल उसके मन में थे, लेकिन वो शहर का था और वो लोग गांव के थे, तो उसने बात करना मतलब कंफर्टेबल नहीं हुआ, वो तो उसमें आया नहीं गट्स कि मैं जाके उनसे पूछ लूँ। उसने चीज़ें सुनी और नॉर्मली इग्नोर कर दी, और वो वहाँ से चाय पी और तीनों ने फिर डिसाइड किया कि थोड़ा आगे चल के हम होटल देखते हैं, क्योंकि रात में स्टे करना था, गाड़ी ख़राब है, वहाँ रुक नहीं सकते, तो गाड़ी उन्होंने साइड में लगाई और सोचा कि आगे चल के हम होटल ढूंढते हैं। तो अब आगे चलते चलते सुमित ये चीज़ें रोशन को बताता है कि भाई मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो पीछे अंकल बात कर रहे थे यार कि पता नहीं यहाँ से कोई गायब हो गया, क्या हो गया पता नहीं, तो शायद हमें यहाँ जाना ठीक नहीं है, ज़्यादा आगे हम गाड़ी में चलते हैं, गाड़ी में सो लेंगे। लेकिन भाई रोशन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, तो भाई उसने बोला कि नहीं भाई आसपास देखते कोई होटल होगा, और तू इन चीज़ों पर विश्वास मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब गाँव वाले इनको मतलब एक होता है ना, शहर वाले बंदे थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको गाँव वाले बंदे थोड़े मतलब प्रॉपर नहीं बताऊंगा, ऐसे समझ जाओ आप। तो रोशन ने सुमित को चुप करा दिया कि चुप रहे, होटल देखते हैं बढ़िया, वहाँ स्टे करेंगे और सुबह होते ही अपनी गाड़ी के पास मैकेनिक बुला लेंगे कोई, और गाड़ी ठीक करवा के निकल जाएंगे। तो भाई वो थोड़ा आगे जाते हैं, होटल्स देखते हैं, वो प्रॉपर मार्केट एरिया नहीं था, थोड़े बहुत ही घर थे, वहाँ जाके चेक करते हैं, तो वहाँ पर भाई होटल्स बहुत ना के बराबर थे और जो थे वो फुल हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए फिर रोशन ने सुमित से बोला कि एक काम करते हैं, थोड़ा आगे और चलते हैं, 2-4 किलोमीटर बाद मार्केट आएगी, कोई ना कोई तो होटल होगा। लेकिन सुमित जो था वो उसको मना करता है कि भाई रहन दे, आगे जंगल है, क्योंकि आगे का जो रास्ता था वो भाई काफ़ी ज़्यादा डार्क था। आप लोगों को पता है पहाड़ों का एरिया ऐसा होता है, एक तरफ खाई होती है और दूसरी तरफ होता है पहाड़ जिसपे जंगल होते हैं, और रात के टाइम वहाँ पे जानवर भी होते हैं। तो सुमित थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन रोशन ने उसको बोला कि चल भाई कुछ नहीं होगा, तू कैसी बातें कर रहा है, और उसको लेके आगे की तरफ निकल गया, और वो जो लोकल एरिया था वहाँ से वो थोड़ा आगे की तरफ चले गए जहाँ से जंगल स्टार्ट होता है। इस टाइम पर सुमित को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि उसके माइंड में वो बातें चल रही थी जो उसने उस टाइम उन बूढ़े अंकलों से सुनी थी। लेकिन जो रोशन था वो गाइस थोड़ा सा निडर टाइप का जो बंदे होते हैं ना, कहते हैं कि भाई जिसको डर जल्दी से नहीं लगता, वो उस टाइप का था। तो अपनी गर्लफ्रेंड के कंधे पर हाथ रख कर आगे आगे चल रहा था और अपनी मस्ती में उससे बात कर रहा था, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके आसपास कौन है क्या नहीं है। लेकिन वहीं 2 कदम पीछे सुमित चल रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, और थोड़ा आगे चलने के बाद अचानक सुमित को ऐसा फील हुआ लेफ़्ट साइड से उसको किसी के पायल की आवाज़ आई चलने की, मतलब ऐसा फील हुआ उसके लेफ़्ट से जहाँ पर जंगल है उसके साथ साथ कोई चल रहा है। उसने अपने फ़ोन में जो फ्लैश लाइट थी फटाफट उसको उस तरफ करके देखा, बट उस तरफ कोई भी नहीं था। थोड़ा आगे चलने के बाद उसने दोबारा से वही चीज़ फील करी कि लेफ्ट साइड में कुछ पेड़ पत्ते हिले और कोई चल रहा है, बट जैसे ही उसने फ़ोन का फ्लैशलाइट उधर करी उधर कोई भी नहीं, और तुरंत रोशन के पास गया और उसको बोला कि भाई मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि लेफ़्ट साइड में हमारे कोई चल रहा है। तो रोशन थोड़ा सा निडर टाइप का उसने बोला भाई तुझे वहम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्लैशलाइट उधर करके दिखाई देख वहाँ पर कोई भी नहीं, और उस टाइम वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो रोशन ने उसको इग्नोर करा और आगे आगे चलने लगा। थोड़ा आगे चलने के बाद रोशन ने बोला कि भाई मुझे टॉयलेट आ रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, तुम रुको मैं साइड में जाकर करके आता हूँ। सुमित रोशन की गर्लफ्रेंड स्नेहा के साथ साइड में खड़ा हो गया और रोशन जहाँ जंगल की साइड जाकर थोड़ा अंदर जाकर टॉयलेट करने लगा। रोशन के टॉयलेट जाने के बाद सुमित रोशन की गर्लफ्रेंड स्नेहा के पास जाकर खड़ा हो गया और उससे कहने लगा कि मैंने जो वहाँ पर अंकलों की बात सुनी थी वो सच में रियल था, और मुझे यहाँ पर भी ऐसा फील हो रहा है कि कोई है हमारे आसपास। लेकिन रोशन इस बात पर यकीन नहीं कर रहा है, तो सुमित ने स्नेहा को बोला कि तुम रोशन को बोलना यहाँ से आगे जाना सही नहीं है और सच में यहाँ पर कुछ है। इतनी चीज़ें बोली, इतने में ही सुमित और स्नेहा को रोशन के चिल्लाने की आवाज़ आई, वो भी बहुत ही भयानक तरीके से, और उसकी चीख इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि सुमित और स्नेहा दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, रूह कांप गई, और उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस तरफ जाकर देखे कि रोशन ठीक है कि नहीं है। लेकिन उस तरफ गए नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे ही अपनी नज़र रोशन की तरफ करी तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि रोशन के फ़ोन की जो फ्लैशलाइट थी वो रोशन के ऊपर पड़ रही है और रोशन एक पेड़ पे उल्टा लटका हुआ है, और रोशन का फ़ोन उसके पीछे से किसी ने पकड़ रखा है, और लाइट की वजह से सुमित और उसकी गर्लफ्रेंड स्नेहा देख नहीं पाए कि कौन है। और ये नज़ारा इतना भयानक था कि सुमित ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और वहाँ से तुरंत भागने लगा,
और वहां से भागते भागते सुमित और स्नेहा दोनों ने फील करा कि हवा अपने आप तेज चलने लगी है, सारे पेड़ पौधे अपने आप हिल रहे हैं और हवा एक तूफान के उसमें बदल गया है। और ये चीज़ और देखने के बाद सुमित और स्नेहा बिल्कुल भी नहीं रुके और वहां से सीधा अपनी गाड़ी के पास जाकर रुके, और उस जहां पर उनकी गाड़ी खड़ी थी मैंने आपको पहले बताया वहां पर कुछ घर थे, तो फटाफट उन घरों को पीटने लगे कि बचाओ 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 हमारा दोस्त फंस गया है। वहाँ से कुछ बुज़ुर्ग बाहर आए, कुछ औरतें बाहर आई, स्नेहा तो उन औरतों के पास चली गई, और जो बुज़ुर्ग बाहर आए तो सुमित ने सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम आगे की तरफ गए थे होटल ढूंढते ढूंढते और वहाँ पर हमारा दोस्त हमें इस हालत में दिखा। तो गांव के बुज़ुर्ग लाठी वाठी लेकर के सुमित के साथ वापस उसी जगह पर गए जहां पर उन्होंने रोशन को देखा था। सुमित कुछ आदमियों के साथ और गांव के बुज़ुर्गों के साथ उस जगह पर पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था, उसका दोस्त रोशन भी नहीं, और रोशन कहां गायब हो गया आज तक किसी को नहीं पता। तब वहां से वापस आकर बुज़ुर्गों ने बताया कि इस गाँव में एक औरत का श्राप है, जो एक सुहागन औरत थी और उसकी मौत हो गई थी, और काफ़ी सालों से, इसलिए रात के टाइम यहाँ पर जंगली जानवरों का भी डर होता है और इसका भी डर होता है, इसलिए शाम होते ही अपने इस कॉलोनी से बाहर कोई भी नहीं जाता है। उन बुजुर्गों ने बताया कि सिर्फ उसका दोस्त रोशन नहीं, उस गांव के भी बहुत सारे मर्द गायब हो गए हैं जो आज तक किसी को नहीं मिले। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो लोग पहाड़ों से नीचे गिर गए, कुछ लोगों का ये कहना है कि उनको कोई चीता ले गया, कोई लेपर्ड ले गया, और गांव वालों का भी कुछ ऐसा ही है कि किसी ने, जिसने भी आज तक उस औरत को देखा है वो कभी वापस नहीं आया। तो वहाँ के लोग मानते भी हैं और नहीं भी मानते, लेकिन जो बुज़ुर्ग हैं वो 100% श्योरिटी से कहते हैं कि वो एक लाल साड़ी में एक सुहागन भूतनी है जो मर्दों को ले जाती है। इस आज की डेट में भी रात के टाइम उस जगह पर कोई भी नहीं जाता। वैसे आपको पता है पहाड़ों में रात के टाइम वैसे भी कोई बाहर नहीं निकलता जानवरों के डर से। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, 10,000 लाइक्स का टारगेट है, जितनी जल्दी पूरा कर दोगे तुम्हारा भाई अगली स्टोरी और भी ज्यादा भयानक और डरावनी लेकर आएगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।